ये कुकरेल में बघेल साहब सुबह सुबह आए हैं आज मॉर्निंग वॉक पे, सुबह सुबह आए हैं। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। और यहाँ जब आते हैं हम लोग तो जवानी इसी की बदौलत बरकरार है। अच्छा। और चाय वो भी अब मिलने लगी है तो और थोड़ा सा जवानी आ रही है। क्या क्या किया सुबह आपने आज? सुबह हमने जंगल में वॉक किया, उसके बाद एक्सरसाइज किया, हनुमान चालीसा पढ़े। अब आप चाय पी रहे हैं, अब इसके बाद अब घर की तरफ। बालिहार निवासी हैं हमारे बघेल साहब, बहुत यहाँ के जाने माने, क्या बोलते हैं, सुबह क्या सैर करते हैं, वॉकर्स? नहीं मटा दिए। अरे आशीष। हेलो सर, आई एम आशीष। आशीष, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ये आशीष हमारे यहाँ, ये एक्चुअली बहुत बड़े धावक भी हैं और ये अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। इनका डेली का रन रहता है, कभी वॉक रहता है, मतलब सब शेड्यूल्ड है। हाँ, आप अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे धावक कंसिडर करने के लिए। और बाकी आता हूँ, सब लोगों का यहाँ पे सहयोग मिलता है और बहुत बहुत इंस्पिरेशनल जगह है। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि हर आदमी अपने अंदर एक स्टोरी लिए, एक इंस्पिरेशन लिए हुए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप बस यही मेरा अनुभव है कि पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। हाँ भैया, अनूप कुमार, अनूप सिंह, अनूप कुमार सिंह। अब ये भी बहुत बड़े फिटनेस फैन हैं और जिम में भी जाते रहे हैं, हमको लगता है। और बॉडी देख के आपको लगेगा, देखिए पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों लोग एक साथ ज्यादातर रहते हैं, पुशअप रेस चल रही है इन लोगों की। हाँ बताइए, कितना आज किया आपने? तो अपने बड़े भाई आशीष, कितना किया आज आपने? जी को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा आपका टारगेट? हमारा टारगेट तो इस महीने 1,000 पुशअप का है। अच्छा, 3,000 तो अभी कितना? और वॉक कितना करते हैं? 10,000 का 3 महीने का वॉक डेली हमारा 2 किलोमीटर का होता है। और रन भी रहता है? 2 से 3 हो जाता है, कभी रन भी, कभी 4 भी हो जाता है, रन भी थोड़ा 1-2 किलोमीटर का। तो ये आपको ये जगह कैसी लगी? जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर सब तरह का आराम है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ चाहते हैं यहाँ से? जैसे जिम बन जाए, कभी यहाँ ओपन जिम का थोड़ा सा मूवमेंट हो तो ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छी बात हो। कैंटीन खुली है, उससे कोई फायदा है? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा है। और जो साइकिल स्टैंड सामने है खुला, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, डॉक्टर इकबाल है हमारे, फिजियोथेरेपिस्ट है और इनकी बहुत बड़ी क्लिनिक है वहाँ पर। यहाँ से जब फरीदी रहीम नगर की तरफ जाएंगे, रहीम नगर के पास फराबी रेस्टोरेंट के आसपास। बताइए सर, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ थे COVID-19 जब शुरू हुआ था उसके बाद से आ रहा हूँ, करीब 2-3 साल हो गया है। तो आपका यहाँ पर जैसे लोग मिलते हैं तो कैसा फील होता है आपको उनके साथ? अच्छा है, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है और साथियों का प्यार मिलता है, बढ़िया। अच्छा, मतलब आप भी जोड़ रहे हैं लोगों को यहाँ पर? एक दो लोगों को प्रमोशन करिए कि आइए, लेके आइए यहाँ पर कुकरेल में, है ना? और यहाँ पर कैंटीन वेंटीन का कैसा है? बहुत अच्छा ही था, बड़ी साफ सुथरी कैंटीन है। आप अपनी क्लिनिक के बारे में कुछ कहेंगे, कहाँ पर है, क्या है, किसी कुछ को इनवाइट करेंगे वहाँ पर? नहीं, क्लिनिक तो विकास नगर में है, सेक्टर 8 में। सेक्टर 8 में, किस नाम से है आपकी? डॉक्टर इकबाल फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तिवारी जी, पी तिवारी जी हमारे सचिवालय में थे, अभी रिटायर्ड हो गए। रिटायरमेंट के बाद आपका कैसा अनुभव है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बोझ सर से हट गए जी, अब यहाँ का आनंद लिया जा रहा है। ये कुकरेल हम लोगों के लिए लाइफ लाइन है। कब से आ रहे हैं इस कुकरेल में आप? इस कुकरेल में हम 2005-06 से आ रहे हैं, मतलब करीब 2009 से तो लगातार आ रहे हैं। तो आपकी सेहत देख के ही लग रहा है कि एकदम फिट है आप, लग नहीं रहा कि रिटायर हो गए, लग रहा है 40-45 से ज्यादा। अगल बगल के लोग जो नहीं आ रहे उनको भी आना चाहिए। जी जी जी, हाँ, यहाँ आगे कितने लोग जवान हो गए, कितने लोग जवानी की तहलीज। कोई शिकायत कुकरेल से? शिकायत कुछ नहीं, कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ होनी चाहिए वो भी उतना अच्छी नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट धीरे धीरे सुधार कर रही है। नाइट सफारी आने वाला है तो हो सकता है ये भी सब चारों तरफ जगमग हो जाए, ओवरऑल ठीक बढ़िया हो, जो ओवरऑल बढ़िया है, पॉल्यूशन आना चाहिए। पॉल्यूशन की मांग है, ओपन जिम की मांग है। त्यागी जी, शिवपुरी में रहते हैं, ये कुकरेल के जस्ट पीछे एक कॉलोनी है, कैलाशपुरी। आप बताइए अपने व्यूज के क्या है? व्यूज ये है कि हम बंदर के बारे में बताइए, आप कहाँ से त्रस्त हैं, किस चीज से त्रस्त हैं? जी, सांप है, बंदर है, कुछ आप किसी चीज से परेशान हैं? नहीं, किसी चीज से दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा वायु वातावरण है, लेकिन बंदरों का थोड़ा सा है, कभी कभी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। जी जी, जैसे लाइन इनको ये लगता है कि मेरे बच्चे को कोई नहीं कर रहा तो एकदम झपट के पड़ते हैं, थोड़ा सा भय का माहौल, थोड़ा सा भय का माहौल हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, सही है। आप कभी फैमिली के साथ भी टहलने आते हैं? फैमिली के साथ भी आते हैं, लेकिन मिसिस थोड़ा सा तबीयत खराब रहती है, आजकल नहीं आ रही है, उनको भी लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मेरा तो ये भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और यहाँ के ऑक्सीजन का भंडार है, इसका लाभ उठाएं।
अच्छा, ये मेरा सचान साहब देखिए अभी लेटेस्ट दुबई से आए हैं और दुबई के दुबई से पूरा फ्रेश हुए हैं, रिफ्रेश होकर कुकरेल दुबई बैंकॉक ये सब करते रहते हैं ये, और ये बहुत बड़े हमारे मतलब ये नगर निगम निर्माण विभाग और सब कुछ में, हाँ ब्रिज स्पेशलिस्ट हैं, हमको लगता है यूपी में ज्यादातर ब्रिज इन्हीं ने बनवाए हैं। और सचान साहब बताइए आप अपने बारे में, क्या कैसा रहा दुबई पहले? दुबई बहुत बढ़िया रहा। कहाँ स्टे किया आपने? होटल पाम जुमेरा में मेरा होटल था। वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ कब से आ रहे हैं? पिछले 10 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ। सेहत देख के तो लग रहा है फिट हैं आप काफी। हाँ, फिट तो ही। और आपको यहाँ से कोई मतलब क्या बेनिफिट मिला या क्या खराब लगा? यहाँ पे नए नए मित्र लोग बहुत मिल जाते थे सुबह। हाँ ये अच्छा, बहुत लोग से दोस्ती हो गई। कैंटीन खोल गई, वो बहुत बढ़िया रहा। चाय के शौकीन है आप? हाँ चाय, आज चाय, आज चाय पार्टी सचान साहब की तरफ से ही है पूरा। मतलब ये शौकीन है, पूरा टेस्ट भी जानते हैं, पेमेंट कोई भी करे लेकिन मतलब आह्वान इन्हीं का है। ये भाई अजीत सिंह है, ये हमारे चीफ साहब रहे हमारे शुगर फैक्ट्रियों में, इनको शुगर फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये जंगल के पास में ही रहते हैं और इनका अक्सर आना जाना रहता है, हमेशा मुस्कुराते दिखेंगे आपको। बताइए सर, अगर मैं जंगल में ना हूँ तो लगता है मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इस टीम के सबसे सीनियर। हाँ, और इस टीम के सबसे सीनियर भी हैं। नौजवान सीनियर हैं ये, नौजवान सीनियर हैं आप इनके बारे में। बताइए, और आपको यहाँ ओपन जिम का जो है होना चाहिए, जो थोड़ा कमी लगती है ना, और क्या बढ़िया हो, और साफ सफाई का कर्मचारियों को थोड़ा टाइट किया जाए। यहाँ जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, यहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ जो है व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई जो है नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं। हाँ, सफाई की व्यवस्था इसको इग्नोर किया जा रहा है, थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है। इससे पहले गवर्नमेंट में ज्यादा झूले वगैरह सब टूटे हुए, पार्क की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, मोर दिखा दी है। हाँ, अभी बेंच टूटी पड़ी है सारी, देखिए बेंच टूटी पड़ी है, सब टूटा है। व्यवस्था जो है जर्जर है यहाँ की, जर्जर व्यवस्था, जर्जर टूट गई है। हाँ, टोटल जर्जर व्यवस्था। देखिए ये सर, यहाँ ये बकरी है, इसके पता नहीं चल रहा है फ्रंट की तरफ। पार्क को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जी 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 जी। सक्सेना साहब बताइए सर, ये एचएल से हमारे सक्सेना साहब हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने डिफेंस में बहुत ज्यादा सेवा दी अपनी, स्पेशल ये एसेसरीज डिवीजन में थे, डाटा लगा और ये सब कुछ बनाते थे लोग। बताइए सर, आप जंगल कब से आ रहे हैं, यहाँ कब से रहने लगे? 4 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जी। और जो घर में आप बात नहीं कर सकते, दोस्तों में खुल के बात करते हैं और लाइफ पूरा एंजॉय लेते हैं आप, हम और अपने दोस्तों के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। जी जी जी। और जिससे कि हम सभी का दिन बढ़िया गुजरता है, आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं। बताइए। मैं अजीत कुमार सिंह जी, जी। चेयल से सेवा मुक्त हुआ हूँ जी जी। मयूर विहार रेजिडेंसी में रहते हैं। मयूर विहार रेजिडेंसी में आवास है। अब बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों का आवास पिकनिक स्पॉट से करीब में है, तो सुबह आने का बड़ा अच्छा वो रहता है कि पिकनिक स्पॉट चलना है, यार मित्र मिलते हैं सबके साथ, मजा आ रही है आपको, एंजॉय मिल रहा है आपका, खुल के बात कर रहे हैं अभी आप, बातें खुल के हो रही हैं, बातें खुल के होती हैं, आनंद लिया जा रहा है। उपाध्याय जी आए, देखिए ये भी है, ये अभी हमारे बहुत दिन से मतलब काफी टाइम से जंगल में आते जाते हैं। हम 2002 से जो है इस जंगल में आना शुरू किए, यहाँ कल्याणपुर में मकान बनाए हुए हैं और यहाँ जो है पहले आप शिवपुरी जाते हैं दर्शन करने? हाँ, पहले शिवपुरी मंदिर जाते हैं, वहाँ भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, उसके बाद आकर के आप दोस्त मित्रों के साथ थोड़ा भ्रमण करते हैं और इन लोगों के साथ थोड़ा सा मतलब कि है सुखी और सब महसूस करते हैं और इन लोगों के साथ आप टहलते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भैया ये कैंटीन संचालक है, आपका क्या नाम है भैया? कैंटीन संचालक आपका क्या नाम है? राम खिलावन। आप बताइए चाय कैसी बना रहे हैं, कितने रुपए में चाय है आपकी रेट पे, क्या चल रहा है यहाँ पर? 15 रुपए रेट है चाय का जी। अरे तो हम लोग कैसे इतना पैसा दे पाएंगे? और बताइए क्या क्या सामान रखते हैं आप यहाँ पर? चिप्स है, नमकीन है, और दोपहर में क्या खिलाते हैं? मैगी वैगी बनाते हैं? मैगी वैगी बन जाते हैं। चाउमीन इतवार इतवार इतवार। और नॉनवेज का कोई सुविधा? वो नहीं है। अच्छा, बस यही बंद मक्खन चाय, ब्रेड, पेस्टी, पेस्टी समझ। अरे बताइए वो सब सामान क्या क्या रखते हैं आप? हाँ, वही पेटीज है, बिस्कुट है, कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा, ये नमकीन है, स्नैक्स टाइप का है थोड़ा आपका? आइसक्रीम का भूल जाओ। हाँ, आइसक्रीम है, देखिए आइसक्रीम का, ये देखिए आइसक्रीम है, ये देखिए इधर मतलब इनके पास फ्रिज भी है, सब कुछ ठंडा मिलेगा आपको, और ये किचन में भी इनका सब सामान है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बिस्किट विस्किट। तो ये ओवरऑल ठीक है वातावरण यहाँ पर। मैं धीरज श्रीवास्तव, C89 मयूर विहार सी ब्लॉक निवासी, मैं भी कभी कभी कुकरेल आता हूँ,
और मुझे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर, और अपनी फिटनेस को ध्यान रखते कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ यहाँ पर, और सभी लोगों का साथ मिलता है। स्पेशली बघेल साहब यहाँ पर लीडर हैं हमारे, जो टीम को पूरा लीड करते रहते हैं। उसके बाद एक कपूर साहब है, वो आजकल मिसिंग में है, और ये करीब 20-25 लोगों का एक ग्रुप है, इसको हम लोग कुकरेल रॉकर्स बोलते हैं, 40 लोगों का, और बहुत ही इंजॉय करते हैं इसको। 2 घंटे का टाइम यहाँ पर लगता है कि दुनिया में एकदम अलग आ गए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए कुकरेल के बारे में। ये बहुत बड़े बिल्डर लखनऊ के, बोलो यार, बताओ ना अपनी बात। कहाँ बिल्डर होता है? अरे बैठे रहो, बैठे। मैं राघवेंद्र सिंह, इंदिरा नगर। मैं राघवेंद्र सिंह, इंदिरा नगर निवासी। मैं, मेरा काम यहाँ बिल्डर्स का है, मकान बनाना बेचना, लेकिन कुकरेल सरोकर का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। यहाँ पे आने के बाद हमारे जो भी दिक्कतें थी वो सब खत्म हो गई। यहाँ आने के बाद समझिए स्वर्ग में आ गए। बस ठीक है।